कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग जो सड़कों के मामले में प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, इसकी कुल 2,25,825 किलोमीटर सड़कें सरकार बनने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, जो 15 वर्ष में सपा और बसपा ने गड्ढे बना करके यूपी की जनता के लिए छोड़े थे, उसे गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया और 2,25,825 में से 85,160 किलोमीटर अकेले लोक निर्माण विभाग की सड़कें गड्ढा युक्त थी, कहीं सड़कें ही नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में हमको राज्य मिला था। और एक घोषणा की गई कि हम 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे और मुझे आज इस बात के लिए प्रसन्नता है कि हमने लोक निर्माण विभाग की 75,044 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम पूरा कर लिया है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। प्रदेश की जनता को यह भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, जिसे उन्होंने अपना इतना बड़ा जनादेश दिया है, वह सरकार उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अपना अभियान जारी रखेगी। कुछ विभागों की पहले से तैयारियां नहीं थी, उनके अपने अलग अलग प्रकार से प्रबंधन होते हैं, संसाधन होते हैं, वह भी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन यह गड्ढा मुक्ति का अभियान उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने तक और उत्तर प्रदेश से को सड़कों से युक्त करने तक लगातार जारी रहेगा। रूप से जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ है, महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ एंटी रोमियो दल के द्वारा बहुत सक्रिय कार्रवाई की गई है।